कभी। हेलो एवरीवन, इस टाइप के स्टेटस बनाने के लिए आपको सिंपली अपने लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको म्यूजिक बीट मार्क का एक लिंक दिया हुआ है, उसको अपने ओपन कर लेना है और वो गाइस सीधा आपके लाइट मोशन में एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड गाइस, सिंपली आपको एक और ब्लैक स्क्रीन का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको उसको ले आना है, लाइट मोशन में अपने एक्सपोर्ट कर लेना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस, जहाँ तक पहला मार्क है आपको वहाँ तक आ जाना है। एक सेकेंड, चेक, ओके ओके गाइस, पहले वाले बीट मार्क पे आपको आ जाना है, वहाँ से इसको कट कर देना है। एंड गाइस, कट करने के बाद गाइस कुछ आगे के साइड को आपको बचा लेना है। एंड गाइस, सेकंड वाले मार्क पे आपको फिर से जाना है, फर्स्ट मार्क पे जाना है और यहाँ पे आपको फोटो सिलेक्ट कर लेनी है गाइस, जो जो सी आपको फोटोज डालनी है वहाँ पे। सो गाइस, मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, इसको सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन करके एंड सेकेंड वाले बीट मार्क पे जाके मैं इसको वहाँ से भी कट कर लेता हूँ। एंड गाइस, इसी तरीके से मैं सेकेंड पीस भी ऐड करूँगा बिल्कुल सेम, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ पहले। ओके गाइस, इसी तरीके से मैं अपनी सेकेंड इमेज भी ऐड करूँगा बिल्कुल सेम मेथड के साथ, इसको फुल स्क्रीन करके एंड बाकी का पार्ट इसका ट्रिम कर दूंगा। एंड गाइस, बाकी सारे फोटोज़ को भी आपको बिल्कुल सेम तरीके से ऐड करना है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दे देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, 650 होने में 25 सब्सक्राइबर और बाकी हैं यार। सो उम्मीद तो यही करूँगा कि आप उसको पूरा करवा देंगे। एंड गाइस, डेली ऐसी और भी वीडियोस मैं रोज़ लाता रहूँगा। सो गाइस, कीप सपोर्टिंग यार, थोड़ी सपोर्ट करोगे तो यार थोड़ा वीडियो और जल्दी जल्दी लाने में भी हिम्मत आएगी मेरे अंदर, क्योंकि यार बाकी और भी काम होते हैं तो उसकी वजह से यार वीडियो थोड़ी एक दिन दो दिन लेट करके लाना पड़ता है मुझे। सो उम्मीद तो यही करूँगा यार कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे यार। सो इसके लिए थैंक यू वेरी मच कि यार 600 करवा दिया आपने, 650 भी हो ही जाएंगे, 25 सब्सक्राइबर और बाकी है 650 में। सो गाइस, पहले तो मैं इस फोटो को पूरा ऐड कर लूँ, एक सेकंड। सो गाइस, वीडियो में जितने भी मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं इनका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली अपने लाइट मोशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और गाइस, जो मैं जिस मॉडल की पीस यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ये पीस चाहिए हो तो इसका पीस सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस सारी पीसेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड गाइस, इंस्टाग्राम से कैसे सारे मॉडल्स की पीस डाउनलोड करनी है एक ही बार में, सो गाइस इसकी भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका वीडियो में आई बटन में भी दे दूंगा और साथ साथ वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको चेकआउट कर लेना कि कैसे इंस्टाग्राम पे से सब सारी फोटोज़ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसको भी देख लेना यार, लेकिन पहले इसको देख लो। एंड गाइज, ये होती है गाइज, आपको इसमें इफेक्ट यूज़ करना है, इफेक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, जो पहला इसका इफेक्ट है, फर्स्ट वाला इफेक्ट जो आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर सामने, सो गाइज इसको पहले आपको कॉपी करना है, कॉपी इफेक्ट एंड बैक जाके। एंड गाइज, यहाँ पे जो बड़े बड़े फोटोज़ हैं, मतलब जिनकी फ़ोटोज़ की साइज़ की ड्यूरेशन ज़्यादा है, उस पर पहले इफेक्ट को आपको पेस्ट करना है। सो गाइज, यहाँ पे सिंपली पहला इफेक्ट यहाँ पेस्ट करना है। सो गाइज, यहाँ से तीन पीस छोड़ के जो चौथा पीस है वो थोड़ा बड़ा है, सो मैं उस पर पेस्ट करूँगा इफेक्ट को, और साथ साथ आगे जितने भी इसके सेम बड़े बड़े हैं जो इससे, उस पर मैं इस इफेक्ट को पेस्ट करूँगा गाइज। सो गाइज, आपको भी सिंपली इसी तरीके से पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट। एंड गाइज, इसी तरीके से एक और लास्ट फोटो है, इस पर भी मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड गाइज, इसके बाद आपको सेकंड इफेक्ट को कॉपी करना है, इसके लिए एक बार बैक आता हूँ मैं। बैक आने के बाद गाइज, इसका सेकंड इफेक्ट जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब बैक आके गाइज, बाकी के जितने भी बचे हुए हैं उन सब पे आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है गाइज।
सो गाइज सारे इफेक्ट पेस्ट करने के बाद गाइज आपको फर्स्ट बीट मार्क पे आ जाना है, जो पहला बीट मार्क है उस पे आने के बाद गाइज आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद गाइज इसको पहले मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा है। ओके एंड यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ओके तो गाइज अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा, आप चाहे तो ऊपर से थ्री डॉट से भी कर सकते हैं या फिर मूव एंड ट्रांसफर में भी जाके कर सकते हैं, तो मैं मूव एंड ट्रांसफर रिकमेंड करूंगा क्योंकि वहाँ पे आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं विदाउट पिक्सल फटेज की एक भी। सो गाइज मैं यहाँ तक इसको ओके मैं यहाँ तक रखता हूँ उसको गाइज। इसको रखने के बाद गाइज आपको एक बार इस पर प्रेस करना है एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है, एक बार वॉइस भी आप इसकी मिटा देना, वैसे मैंने पहले से मिटा रखी है, एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, लाइटिंग में जाना है, लाइटिंग में जाकर उसको स्क्रीन कर देना है गाइस। सिंपली स्क्रीन करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपका ये इफेक्ट दिखेगा। इफेक्ट इस तरीके से दिखने के बाद गाइस इसको आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, सो उम्मीद तो यही करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बाय बाय गाइस।